इम्पॉर्टेंट है, उससे वो सेकेंडरी सप्लाई होती है, वोल्टेज को कम करती है और एम्पियर को हाई करती है। ओके, और आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो एक तो आपका वीबस पीएमआईडी इसका वेरी, लेकिन आज हम ऐसी चीज़ें बताएंगे पावर सिक्वेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो आज एक स्पेशल टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं डेड कंडीशन, क्योंकि फ़ोन के अंदर एक डेड एक ऐसी समस्या है कि लोग जो हैं सिर्फ सॉर्टिंग चेक करना जानते हैं कि भाई कंपोनेंट बीप कर रहा है, इसको तोड़ के फेंक दो, फ़ोन चालू हो जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये कंपोनेंट तोड़ने से या सॉर्टिंग नहीं भी होती है तब भी फ़ोन उनका ऑन नहीं होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है अपने आप में डेड का, लेकिन आज हम ऐसी चीज़ें बताएंगे पावर सिक्वेंस के बारे में कि फ़ोन की वर्किंग कैसे होती है, वो कहां से कहां सप्लाई उसकी जाती हैं, कौन कौन सप्लाई को क्या बोला जाता है और कौन कौन सप्लाई हमें चेक करनी होती है। ये कई पार्ट में इसके वीडियो आने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक सर्किट देखते हैं, क्योंकि चार्जिंग जैक हमारा जो होता है, जब हम लोग चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग जैक में क्या होता है, प्लस और माइनस और ये डीपी और डीएम और आईडी की लाइन होती है। ओके, तो प्लस पे यहाँ पे क्या आता है, ये वीबस की लाइन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीबस या वी चार्ज बोलते हैं, और इस पर क्या आता है, 5 वोल्ट की सप्लाई इस पर आती है चार्जिंग जैक से। जो B2B जो नीचे का जो सब बोर्ड होता है उसका जैक मैंने यहाँ पे बताया, जो कि एक ट्रांजिस्टर लगा है और एक रजिस्टर और 2 कैपेसिटर को फिल्ट्रेशन में लगाने के लिए यहाँ पे ये यूज किए गए हैं। इसके बाद B2B जैक से ये सब बोर्ड का है और ये वाले मेन बोर्ड का है, कुछ इस तरीके से बोर्ड। तो आगे भी सप्लाई आती है, यहाँ पे दिया TP, इसका टेस्ट पॉइंट है, और एक TVS डायोड लगा है और एक कैपेसिटर, और ये OVP सेक्शन। OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पर तक 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, यानी कि ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। इसका नाम है पूरे सप्लाई का वी बस, यानी कि अगर आप इस कैपेसिटर तक अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ओके, इसके बाद इसका दूसरा टेस्टिंग पॉइंट होता है कि PMID पे कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे इसको ग्राउंड किया गया, तो दूसरा टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर ये IC जो इसके अंदर जो कदम करके कंपोनेंट्स लगे हैं, MOSFET लगे हैं, जो भी है, तो ये PMID पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, यानी कि ये लाइन बिल्कुल वेरीफाई है, ओके है PMID तक। अभी हम ये भी बताते हैं किस सेक्शन का है ये, मतलब किस फ़ोन का सेक्शन है, लेकिन ज़्यादातर हमें उससे मतलब नहीं, हमें खाली इसकी वर्किंग को समझता है, पॉइंट क्या होते हैं टेस्टिंग के। अब यहीं से एक लाइन निकलती है चार्जिंग IC से, जिसका नाम होता है VPH, यानी वोल्टेज फोन पावर, और उसी में एक कैपेसिटर लगा होता है। क्वालकम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्वालकम CPU वाले फ़ोन के अंदर तो एक बूट कैपेसिटर लगा होता है, इस पर BTST भी लिखा रहता है। इस कैपेसिटर की टेस्टिंग क्या होती है, इस कैपेसिटर टेस्टिंग होती है कि एक तरफ इसका जो होता है 4 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक तरफ 8 वोल्ट के समथिंग इसकी सप्लाई आती है, और ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है सेम वैल्यू का आपको लगाना पड़ता है क्वालकम CPU BTST, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जब भी आप ट्रेसिंग करें या कुछ भी करें तो बूट कैपेसिटर को बिल्कुल जो है ध्यान से चेक करें कि फ़ोन अगर डेड है वहाँ पे वोल्टेज मिल रहे कि नहीं है, पावर IC के जस्ट बगल में ये लगा रहता है। और पावर IC से एक VBAT की सप्लाई निकलती है, जो VBAT की जो सप्लाई है ये भी प्राइमरी सप्लाई में आती है, यानी कि VBUS, VBAT और VPH ये जो यहाँ से निकल रही है चार्जिंग IC से, तो ये इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज। ओके, यहाँ पर जो VBAT है ये 3.7 से 4.2, ये VPH की जो लाइन निकली कहाँ कहाँ पर जाती है वो हम लोग देख लेते हैं। पावर IC पर जाती है, B2B जैक पे है, RDO IC पे है, वाइब्रेटर है, हेडफोन है, बैकलाइट है, बैकलाइट के लिए है, हेडफोन के लिए वाइब्रेटर, वही सब चीज़ RDO सेक्शन, और ये वापस से फिर इसी IC के अंदर, यानी कि इतने सारे सेक्शन में ये वोल्टेज भी जाता है। इसके बाद पावर IC से जो LDOs जो लगे होते हैं उससे वो सेकेंडरी सप्लाई होती है, उससे भी सप्लाइयाँ निकल के इन पे आती हैं, वो भी काम करती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपका फ़ोन शॉर्ट है तो शॉर्ट में क्या है कि आप यहाँ पर एक प्लस लगाइए, यहाँ पे अगर ये पॉइंट अगर बीप कर रहा है ये प्लस वाला, तो यानी कि इसके पैरलर वाले कंपोनेंट के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है जो पैरलर के में लगे हैं। तो आप एक एक करके इनको चेक कर लीजिएगा, या सीधा सीधा से यहाँ पर 5 वोल्ट और 5 एम्पियर अगर आप सप्लाई दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक जो भी चीज़ें कंपोनेंट शॉर्ट होंगे वो ऑटोमेटिक हीट करेंगे, आप उनको आसान तरीके से आप बाहर निकाल लीजिएगा। इसके बाद अगर ये जो है चार्जिंग IC के बाद VPS लाइन में अगर शॉर्टिंग है VPS में, तो यहाँ पर आपको 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर देना है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट पे। तो जिस सेक्शन में अगर आपकी शॉर्टिंग होगी तो वो रिमूव हो जाएगी।
इसके बाद क्या है कि यहां पर क्या है कि अगर यहां पे आप जी आर वैल्यू चेक करेंगे तो यहां पर भी आपको जी आर वैल्यू मिलेगी, इधर भी जी आर वैल्यू, और ये वीवेट की वीवेट की लाइन, इस पर भी जी आर वैल्यू और इस पर भी जी आर, यानी कि जिसमें अगर मान लो यहां पर जी आर वैल्यू नहीं मिल रही इस जगह पर, तो समझ जाइए कि इसके सीरीज लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। क्या है? सीरीज लाइन में, यानी कि आपको जो पैरेलल कंपोनेंट है, अगर ये लाइन अगर बीप नहीं कर रही, ये वाली या ये वाली, तो आपको पैरेलल कंपोनेंट को नहीं टच करना है, आपको सिर्फ और सीरीज में कंपोनेंट में आपको देखना है। यहाँ पर क्योंकि क्वाइल लगी है, यहाँ पर ये बक क्वाइल है जो कि वोल्टेज को कम करती है और एम्पियर को हाई करती है, और ये कई जगह पर आगे इस तरीके से हर सेक्शन में ये जाती है और ये वापस से भी इसी सेक्शन के अंदर जाती है। अब यहाँ पर एक सिस्टम क्या दिया गया है, बैटरी और सिस्टम और बूट। तो इसका मतलब ये है कि जब आप चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगाने के बाद से यहाँ पे चार्जिंग आईसी पे वोल्टेज आएगा, वोल्टेज से क्या होगा कि पूरा फोन भी रन होगा और यहीं से एक लाइन देखो सिस्टम के लिए दी गई, सिस्टम से बैटरी पे आएगा और बैटरी चार्ज भी होगी, आपकी बैटरी आपकी चार्ज भी होगी, और आप जब चार्जर हटा देंगे तो ये वाली सप्लाई आपकी अलग होगी। तो अगर आप यहाँ पे बैटरी लगी तो बैटरी से भी यहाँ से सिस्टम वाली वोल्टेज से GPS की लाइन बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चार्जर लगाते हैं तो ये वाले इस तरीके से प्रोसेस होता है कि जैसे आप जैसे चार्जिंग लगाया, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से वोल्टेज जाएगा और बैटरी चार्ज रहेगा, चार्जिंग करता रहेगा। चार्जर जैसे हटाएंगे तो बैटरी से सिस्टम वोल्टेज GPS लाइन बना देगी, तो आपका फ़ोन चार्जर निकालते तो आप तो होता नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये था इसका प्राइमरी लाइन सेक्शन की लाइनें कहाँ कहाँ पर जाती हैं, ओके, और आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो एक तो आपका VBUS PMID इसका वेरीफाई, इसके बाद आपका VPH में आप क्या चेक करेंगे, बूट कैपेसिटर, और वहाँ बूट कैपेसिटर चेक कर लीजिए, 8 वोल्ट और 4 वोल्ट एक तरफ मिलेगी, ये सीरीज में लगा रहता है, अगर इसमें फॉल्ट आएगी तो फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आप लोग शॉर्टिंग तो रिमूव कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग शॉर्ट कलर का भी यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट कलर में कई बार ऐसा होता है हाई वोल्टेज हाई एम्पियर होते हैं, तो अगर आप शॉर्ट कलर यूज़ करते हैं तो IC को जो ख़राब होती है तो नीचे के जो ट्रैक्स वगैरह होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। तो शॉर्ट कलर ना यूज़ करके आप जो है रेजिन पेस्ट का यूज़ कर लीजिए, आप हाई एम्पियर मतलब 5 एम्पियर तक यहाँ पर अगर आप दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इससे ज़्यादा एम्पियर उसके अंदर होता है शॉर्ट कलर के अंदर, ओके। ये इसके बाद ये बूट कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है जो वैल्यू होता है 0.47 माइक्रोफैरड का, उतने के ही आपको लगाना पड़ेगा बूट कैपेसिटर। इनकेस आप चेंज करोगे, हो सकता है कुछ वेरिएशन का आप लगाएं लेकिन ऑन हो जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं है जिस वैल्यू का यहाँ पे ये कैपेसिटर। और बात बाकी तो ऐसे लोग होते हैं कि ये कैपेसिटर तोड़ के फेंक भी देते हैं तब भी फोन चलता है, क्योंकि पैरेलल में ये लगे हैं लेकिन ये सीरीज में है, ओके। ये इस लाइन जो VPS की लाइन में ये सीरीज पे लगा है कैपेसिटर। तो ये सर्किट में अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट क्योंकि ये अगर हम बोर्ड पर भी समझाएं फिर सर्किट में भी वीडियो में दिखाएं तो वीडियो बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पर हमने लोगों ने सीखा कि किस तरीके से पावर सेक्शन ये क्वालकॉम CPU में वर्क करता है और VPS की लाइन कहाँ कहाँ पे जाती है। इसको एज ए एक मॉडल मत लीजिएगा, इसको कई मॉडल से आप कंपेयर करिए, हो सकता है यहाँ से कुछ कंपोनेंट यहाँ पर कुछ कम लगे हों यहाँ पर, लेकिन लाइनें आपको सभी में यही मिलेंगी, किस किस सेक्शन के अंदर लाइन जाएंगी ये इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए हमें, और आप कहाँ से देख रहे हैं तो आप वो भी हमें आप बता सकते हैं, किस शहर से देखते हैं, किस सिटी से देखते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।